हे गाइस, वेलकम बैक टू पोकेमॉन स्कारलेट एंड वायलेट। जहाँ पे गाइस पिछली बार हम लोगों ने इंट्रो तो कर लिया था कम से कम, और हम लोगों ने एक स्टार्टर पोकेमॉन चूज कर लिया था क्वैक्सली। और हम लोग आज जाने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटी में। हम लोग वहाँ का थोड़ा काम वाम करेंगे एंड वी कैन फाइनली गेट स्टार्टेड विथ आर ओपन वर्ल्ड एडवेंचर। और वैसे मुझे पता चला कि यू कैन एक्चुअली टेक आउट योर स्टार्टर लाइक ए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारा राइवल और मम्मी जी खड़ी हुई हैं, दोनों खड़े हुए हैं, तो आई थिंक वो लोग भी हमें थोड़ा रोक के भाई बातचीत करने वाली हैं, जो कि इस गेम में ज़्यादातर वही होता है। पता नहीं क्यों भाई पोकेमॉन गेम से बातचीत के अलावा भाई कुछ होता ही नहीं है। बट या आई थिंक ऐसे हम लोग अपने पार्टनर को फॉलो करा सकते हैं, विच इज़ ग्रेट। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने पोकेमॉन तुम एक साथ फॉलो करा सकते हो, बट एटलीस्ट लाइक ये क्या था, आई डोंट नो मैंने क्या खोला ये, पर ए वेट अ सेकेंड। ओके, तो मैं अभी डी पैड पे प्रेस करके ये कर रहा हूँ, कपड़े चेंज कर सकता हूँ मैं। तो मैंने अभी डी पैड लेफ्ट दबाया तो फिर एक ये मेन्यू खुली है जहाँ पे आई थिंक मैं यूनिफॉर्म चेंज कर सकता हूँ ऑन द फ्लाई। डूड, दैट वुड बी इनसेन मैन। मैं कहीं पे भी यूनिफॉर्म चेंज कर सकता हूँ। दिस इज लुकिंग प्रेटी डैम गुड यार। इसको मैं ज़रा करता हूँ ट्राई ऑन एंड बैक। ओ डूड, दिस इज अमेजिंग। मैं एक्चुअली कहीं भी यूनिफॉर्म चेंज कर सकता हूँ यार। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली भाई काफ़ी सारे कपड़े हैं ट्राई करने को। ओके, आई एम प्रिटी श्योर दीज शूज लुक, ओ वेट अ सेकेंड, आई थिंक ये भी अच्छे ही लग रहे हैं। पर यहाँ विद दिस ड्रेस ये काले वाले जूते ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। स्कूल ग्लव्स भी पहन लेते हैं भाई, जो भी ये पहन लो यार, अपन तो क्या दिक्कत है। वी एक्चुअली हैव अ स्कूल बैग एज वेल, पर ये वाला आई थिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो, और क्या है, स्पोर्टी कैप भी हमारे पास एंड स्कूल हेलमेट भी है। छी स्पोर्टी कैप ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई इससे अच्छा तो। या दिस लुक्स गुड। ओ डू डैम, ग्लासेस भी हैं यार। ऑनेस्टली भाई काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑप्शन हैं यार, और तुम ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हो, विच इज़ अमेजिंग। डैम बॉय, आई एम लुकिंग मच बेटर ऑलरेडी इन वॉइस। तो एक ये भी कोई चीज़ है जो कि आई एम नॉट श्योर क्या है, ये नोटिसेस वगैरह हैं आई थिंक, हमारे मिशंस वगैरह हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। एंड डी पैड डाउन से वी कैन स्टार्ट अप आवर कैमरा ऐप। डू डैम, मेरे को लग रहा है ये बाद में ट्यूटोरियल मिलता होगा, पर मैंने अभी से देखना चालू कर दिया ये सब, क्योंकि स्टार्टअप द कैमरा ऐप बाय प्रेसिंग द डाउन बटन। वाह, मैंने चेक कर दिया, उसके बाद बता रहे हैं मुझे भाई, हद हो गई। मूव द कैमरा अबाउट फ्रीली टू स्नैप शॉट्स ब्ला ब्ला। ओह ओके, मैं कैमरा फ्लिप भी कर सकता हूँ और फिल्टर्स भी लगा सकता हूँ। ओ डूड, दिस इज अमेजिंग। ओ माय गॉड, क्वैक्सली किधर है तू? ओए क्वैक्सली, कितने सही लगेंगे भाई अपन। इधर आ, इधर आ। ओए लड़के, क्या कर रहा है तू? इधर आ लड़के, कैसे बुलाऊं मैं इसको? ओ मैं ये भी कर सकता हूँ। डैम डूड, ओ यस यस यस, मेरे को बहुत सही मिला है पोज यार को। एक्चुअली अगर इधर देख रहा होता ना तो मैं ऐसे फ़ोटो खींचता भाई। यार को एक्चुअली को कैसे बुलाऊं यार मैं? इज देर सम वे टू कॉल को एक्चुअली? ओके, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इधर बढ़ता हूँ, होपफुली को एक्चुअली आ जाए भाई। हाँ हाँ, आया 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 आया। ओके कम ऑन, कहाँ गया कहाँ गया? अरे यार ये भी नो, ये रहा। ओके इधर देख भाई, इधर ही नहीं देखता भाई ये। ओह देखा 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 देखा, अरे यार मेरे को फोटो खींच लेनी चाहिए थी। कहाँ भागे जा रहा है? अरे गोल गोल घूमे जा रहा है मेरा अराउंड, रुक जा जरा। अरे रुक जा भाई, मेरे गोल गोल घूमे जा रहा है ये, फोटो खींचनी पड़ेगी ऐसे ही लग रहा है। चलो भाई खींच ही लेते हैं। कहाँ पे एक्चुअली, एक बार दिखा दे जरा अपना चेहरा, दिखा दे तू। ये रहा, ये लो भैया, ऐसे करके खींच लेते हैं। सो रहा है बेचारा, सो रहा है भाई, सोने देते हैं उसको। रिएक्शन थोड़े और देखता हूँ यार, मेरे रिएक्शन काफ़ी सही लग रहे थे। ये वाला क्या है? ये वाला भी अच्छा है यार, ये तो काफ़ी सही फीचर है भाई, मेरे को काफ़ी सही लगा। आई थिंक मैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ यार। अभी चलो को एक्चुअली तो सो रहा है, तो मैं इस बिल्डिंग के साथ खिंचवाता हूँ ये फोटो। हेलो, मैं इधर आ चुका हूँ एडवेंचर। ए डूड, बिल्डिंग के ऊपर पोकेमॉन है, थैंक्स टू द पोकेमॉन ये कैमरा है, मुझे पता चल पाया। डूड मैं ऑलमोस्ट मिस करने वाला था, वहाँ पे ऊपर पोकेबॉल पड़ी है। डूड इसका मतलब हम लोग किसी तरीके से तो बिल्डिंग में अंदर जा सकते हैं, मतलब तो किसी तरीके से क्या यहीं से जा सकते होंगे। डैम मैन, दैट वाज प्रीटी हेल्पफुल, नाइस। वैसे यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा रेजोल्यूशन एकदम से चेंज हो गया गेम का? वैसे भी लाइक पिछले एपिसोड में मैंने जब कॉमेंट्स पढ़े थे तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि गेम का रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, या फिर गेम अच्छा नहीं दिख रहा, FPS कम है। यार ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद डिसअपॉइंट हो गया था जब मैंने देखा था कि परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं, पर गेम की ही दिक्कत है यार ये तो।
पिछली बार जब मैं एडिट भी कर रहा था तो मैंने देखा था कि घर में सही आ रहे हैं FPS, घर में कॉन्स्टेंट 30 FPS आ रहे थे, अभी भी 30 FPS आ रहे हैं, पर जैसे ही तुम ओपन वर्ल्ड में जाते हो ना वैसे ही कम हो जाते हैं, 25-24 FPS ऐसा फील होता है मुझे। वैसे यहाँ पे ये खड़े हुए हैं, आई एम नॉट श्योर वाई दो, क्लैविल खड़े हुए हैं यहाँ पे। डू बी केयरफुल ऑन द वे टू स्कूल मिस रिक्स, ओके एज यू से सर, माय अपोलॉजीज, बोथ द मास्टर एंड मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस आर अवे एट प्रेजेंट। अच्छा तो मे बी मैं वो पोकेबॉल अभी ना ले पाऊँ, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, बट वील सी लेटर। ये लोग कुछ देते हैं क्या, क्या पता चांस ही कुछ दे दे, एक्चुअली कुछ बोल नहीं सकते ना, नेवर माइंड। यहाँ पे कुछ, अच्छा ये लोग तो बात कर रहे हैं, कैन आई गो हियर, आई डोंट थिंक सो, ओके मैं बस वो पोकेबॉल एक बार ले लूँ ना तो फिर मेरा काम हो जाए। कैन आई गो, नो आई डोंट थिंक मैं तब तक ले पाऊँगा जब तक वो यहाँ के मालिक ना आ जाए। चलो फिर क्या ही करेंगे, निकलते हैं यहाँ से हम लोग बाहर, वो मम्मी और हमारे राइवल खड़ी हुई है उनसे बात करते हैं। लेट्स गो मारियो, और अपने इसको भी निकाल लेते हैं ना, ए आ जा भैया जल्दी जल्दी चलते हैं ब्रो, इसको तो मैं निकाल के रखूँगा ब्रो, ए ओके जैसे मैंने बोला वैसे ही इसने पोकल में वापस डाल लिया ब्रो, नेवर माइंड। I heard that Nimona here will be taking you to the school. Yes, she will. That's right, ma'am. Leave it to me. So you've already managed to make a friend? I have. I mean, is she a friend? Eh, sure. I mean, ban rahe hain dheere dheere friend. Abhi to thoda pakai rahi hai mere ko ye. And I've read all about the wonderful teachers you'll have looking after you at the school. Mummy ji, वैसे कुछ ज़्यादा ही सुंदर नहीं है इस बार की. Now you will be saying, staying in the school dorms. So I want you to promise me you will eat proper meals. ऐसा कभी नहीं होता है, मैं जब हॉस्टल में रहता हूँ ना, ओह सैंडविच दे दी चलो मम्मी ने, चलो ये तो अच्छा हुआ, कम से कम कुछ तो खाना अच्छा मिलेगा मैं। पर हाँ भाई वो मैस वगैरह खाना भाई बहुत गंदा रहता है, तुम्हें पता चलेगा भाई एक बार हॉस्टल जाओगे तब, वहाँ पर दाल के नाम पर तुम्हें पानी देंगे भाई। नहीं एक्चुअली दो चीज़ें दे सकते हैं तुम्हें, या तो तेल देंगे या फिर पानी देंगे, ऐसा रहता है। Use them on the precious little partner of yours. Should it get hurt in battle? मेरे पास वैसे पड़े थे पर ठीक है, चलो थैंक यू। चलो निकले फिर हम लोग। ओके थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू फॉर द स्टफ। सैंडविच तो मैं भी दबा जाऊँगा, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को भी इतनी भूख लग रही है, सैंडविच तो मैं भी खा जाऊँगा। चलो चलें फिर निमोना। बट आई वॉज गोइंग टू टीच यू हाउ टू कैच अ वाइल्ड पोकेमॉन। अच्छा हाँ वो भी तो बोला था इसने। यार देखो अगर कुछ नया होगा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो भाई टाइम ही वेस्ट होगा। वैसे तो वैसे नया गेम है, चलो दिखाई देता हूँ मैं, ये भी है। चलो भैया चलते हैं, ऑटो सेव्स जैसे मुझे बंद करे थे, किसी ने मुझे याद दिलाया था भाई पिछली बार। ओ एक्चुअली इमोट्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं डीप मैड अप से, नाइस। पर मुझे करना है ये, और मैं करने वाला हूँ ऑप्शंस, पहले तो टेक स्पीड को फास्ट कर लेते हैं। Skip move learning. You can choose not to learn a move. नहीं नहीं ये तो करना है मुझे। Send to boxes manual सही है। Give nicknames on रख लेता हूँ, चलो अगर कुछ पुराने पोकन होंगे जिनका मैं नाम जानता हूँ तो sure I'll give them nickname। ये मुझे ऑफ करना है। ओह ये भी काफ़ी सही चीज़ है, मतलब battles के दौरान अगर तुम nickname दिखाना चाहते हो link battles के दौरान अपने Pokemon का तो वो भी तुम choose कर सकते हो, which is good। Skip cutscenes of course off यार, हम cutscenes के लिए तो देख रहे हैं ये, तो of course not। आई थिंक या ये बहुत होना चाहिए। लेट्स गो, निमोना गई है इधर साइड मैप के हिसाब से, ये तो रही सामने खड़ी है, यही है ना, अच्छा हाँ यही है, ओके चलो निमोना रूट वन है क्या ये, दिस हेयर इज पोकोपाथ, ओके लुक्स लाइक देयर इज एटलीस्ट समथिंग टू एक्सप्लोर ऑन पोकोपाथ। ओ डूड न्यू पोकेमॉन, इनमें से मैंने कुछ कुछ देखे ही नहीं है, ये वाला तो आई थिंक मैंने ट्रेलर में देखा है पर वो वाइट वाला मैंने नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन द वाइट वन। इट्स अ पाथ दैट लीड्स टू एडवेंचर फॉर यू एंड मी, आउट हियर थिंग्स आर डिफरेंट देन इन द टाउन, यू आर गोइंग टू सी वाइल्ड पोकेमॉन ऑन एंड अबाउट। अच्छा अच्छी बात है, हमें यही तो चाहिए बस। गेट टू क्लोज टू वन एंड यू विल हैव टू बैटल, हाँ मैं तो मतलब कर लूँगा बैटल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एंड देयर वी गो, यही तो चाहिए था बस मुझे, तू बस पोकेबॉल दे दे मुझे, बाकी मैं पकड़ लूँगा। यार आई डोंट थिंक इसमें वैसे लाइक लेजेंड्स आर्सियस वाला मैकेनिक है पोकेमॉन पकड़ने का, इसमें तुम्हें बैटल ही करनी पड़ती है लाइक द ओल्ड टाइम्स, बट आई मीन श्योर मैन आई डोंट केयर, ठीक है
यू कैन ट्राई टू कैच अ वाइल्ड पोकेमॉन ब्ला ब्ला, ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं जरा। एक से मैं पोकल फेंक सकता हूँ या ओके, लेट्स यूज वॉन्ट अ गन। मेरे को अभी इसका टाइप भी नहीं पता ना, तो मुझे नहीं पता भाई मरेगा कि नहीं। टेल वेप ओके, वैसे तो ऐसा कुछ डार्क टाइप लग रहा है भाई मुझे, आई मीन कलर स्कीम के हिसाब से। तो मैंने यूज अ पाउंड, इसको मारना तो नहीं है हमें अभी। ओ डूड ओके, ज़्यादा ही डैमेज हो गया। एंड लेट्स सी इफ दैट डज इट, आई थिंक दैट शुड डू इट। ये वैसे काफ़ी सही चीज़ है, वैसे ये लोग ट्यूटोरियल भाई कराते हैं पहले तुम्हारे राइवल से, पहले वो करके दिखाती है फिर जाके तुम्हें देते हैं। पर ये आई फ्रीकिंग लव दैट मैन, सीधा तुम्हें ही उन्होंने पोकन पकड़ने को दिया, ये काफ़ी सही चीज़ थी। लेचोंग्स डेटा हैज बीन एडेड टू द पोकेडेक्स, थैंक यू। नॉर्मल टाइप पोकेमॉन नहीं फिलहाल तो, हॉग पोकेमॉन, इसको नेम हम लोग नहीं देंगे अभी। नो नो नो, ओ डैम ओके, पोकेडेक्स रजिस्टर होती तो काफी कूल सा लगता है भाई एनिमेशन। दैट वाज ऑसम, यू गॉट द वेरी फर्स्ट पोकेमॉन यू वेंट फॉर। आई एम क्रैमी व्हेन इट कम्स टू कैचिंग पोकेमॉन, मे बी यू शुड गिव मी टिप्स। लॉल, यू ऑब्टेन 10 पोकेबॉल्स, ओके दैट इज अ लॉट, थैंक यू गर्ल। वैसे तो आई डोंट थिंक मैं इसमें इतनी पोकल यूज करने वाला हूँ, वैसे भी लाइक इसमें तो हम लोग सोच समझ के पोकन पकड़ेंगे। लेट्स गो मैं तो हम लोग कुछ भी पकड़ लेते थे क्योंकि लाइक दैट वाज, लेट्स गो मैं नहीं सॉरी लेजेंड्स आसी इसमें, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस भी बढ़ता था और लाइक पोकेडेक्स भी फिल करना होता था, उसका मेन मैकेनिक ही पोकेडेक्स फिल करने का था, तो इसलिए कर लेता था। वैसे तो आई डोंट थिंक इसमें मैं ज़्यादा करूँगा। नाउ गो बैटल दोस वाइल्ड पोकन एंड कैच सम ऑफ हिम, ऐसा क्या। लेट्स स्पीड बैक अबाउट दैट लाइट हाउस ओवर देयर, अच्छा वहां से हम लोग स्कूल देख पाएंगे बोल रही है ये, ऑसम ओके। ओ ओ डूड, एक्चुअली हम लोग कर सकते हैं जैसे लेट्स गो मैं था वैसे, बट आई डोंट थिंक सीधे हम लोग पोकेमॉन। ए ये क्या मिला मुझे, लेचोंग्स हेयर मिला मुझे, व्हाट ये तो बड़ी अजीब चीज है, क्या करता है लेचोंग्स हेयर, मतलब जिस पोकेमॉन को हमने अभी जस्ट पकड़ा उसका मुझे बाल मिले हैं पता नहीं क्यों। या देयर इट इज, मटीरियल एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड बाय पोकेमॉन, इट कैन बी यूज्ड टू मेक टीएम्स, गॉड डैम बॉय, गॉड डैम दैट इज प्रीटी कूल, एक्चुअली प्रीटी कूल मैन। चलो तो वो बोल रही है कि मैं पोकेमॉन, ए यार ये कितनी गलत जगह छुपा हुआ था यार, मैं पोकेबॉल लेने गया वहां पे और साला वहीं पे छुपा हुआ था, हद हो गई ब्रो। ओके चलो मुझे तो पकड़ना नहीं है वैसे, मैं तो खत्म कर देता हूँ इसको। आई थिंक आई पोकेमॉन जस्ट लेवल अप, नाइस मैन, 7 लेवल का हो गया आई थिंक अभी। इसमें क्या है, पोशन ओके डूड, इसमें भी आई थिंक ऐसा कुछ सीन है कि लाइक सम पोकेमॉन आर स्मॉल सम पोकेमॉन आर बिग, क्योंकि ये वाला लचोंग काफी छोटा सा है और ये वाला उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है। अब मुझे ये नहीं पता उसे फर्क पड़ता है कि नहीं, क्या पता ज्यादा लेवल का हो या कुछ हो, पर ये डेफिनेटली बड़ा है। वैसे यहाँ पे पोकल भी पड़ी है एक, ये भी ले लेते हैं। यार मैं फाइट करने का ट्राई करता हूँ एक बड़ा वाला लचोंग, देखते हैं कुछ अंतर मतलब होता है या नहीं। जैसे यहाँ पे भी ये तो सारे छोटे छोटे से हैं, इनसे फाइट करके क्या करूँगा, यहाँ पे भी देखते हैं मे बी कुछ हो। एलो एलो पोकेबॉल है क्या कुछ यहाँ पे, नहीं ओके नेवर माइंड, तो ओके बच गया मैं। ये वाइट वाला पोकेमॉन भी मुझे लड़के देखना भाई क्या है आखिरकार ये, पर उससे पहले वी विल फाइट दैट लचोंग जो कि गायब हो चुका है। वाओ वाउजर्स, ऐसा भी होता है कि पोकन डिस्पॉन हो जाते हैं क्या इसमें। चलो एक और लचोंग दिखेगा बड़ा सा तो मैं देखता हूँ फिर, ये क्या चीज़ है, ये तो पोकन पुराना वाला है आई थिंक, ये पोकन पुराना वाला है, मैंने इसको पहले देखा है कहीं पे। तो यार यहाँ पर पोकेबॉल्स काफ़ी सारी हैं यार, मतलब आइटम्स बहुत सारे मिल जा रहे हैं हमें, जिस प्रिटी डैम गुड। यहाँ पर भी आई थिंक मैंने कुछ देखा था, ये अप अप अप, ए सुपर पोशन डैम नाइस, काफी अर्ली मिल गया हमें सुपर पोशन। अभी तो आई डोंट थिंक मेरे पोकन की इतनी एचपी है भी कि मतलब सुपर पोशन यूज करने की जरूरत पड़ेगी, बट ओके डूड रिवाइव भी अभी से मिल गया यार हमें तो, डैम मैन, ओ माय गॉड मैन, ऑनेस्टली बहुत पोकेबॉल्स पड़ी हैं यहाँ पे। एंटीडोट नाइस, ऊपर भी है एक पोकेबॉल, वैसे मैं यहां से चढ़ सकता हूँ क्या, आई डोंट थिंक सो। फिर तो यहाँ से एक रास्ता होना चाहिए। ओह वेट, मैंने ये मिस कर दिया था यहाँ पे, रेयर कैंडी मिस कर दी थी, वाह भाई
हद ही हो गई ब्रो कि यहाँ से तो रास्ता नहीं है, कहाँ से जाऊँ फिर मैं। अरे ओके गलती से मैंने टच कर ही लिया, चलो देख लेते हैं फिर क्या पोकेमॉन है। आखिरकार फाइट तो इससे करना ही था। टैरोंटुला, टैरोंटुला, ओके ओके आई एम अज्यूमिंग दिस इज अ ग्रास टाइप, तो इस पर हमें पाउंड ही यूज करना चाहिए। स्ट्रिंग शॉट, ओके बग टाइप है, बग टाइप है, ओके ओके ठीक है, बग टाइप से तो हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ओके आई थिंक दैट शुड डू इट, इससे हो जाना चाहिए। पकड़ते हैं इसको, अभी तो वैसे मुझे पता ही नहीं कि भाई क्या पोकेमॉन क्या करता है और मतलब क्या होने वाला है किसी पोकेमॉन से, ना तो इवोल्यूशन पता है ना कुछ पता है, तो मैं सारे पोकेमॉन ही पकड़ने वाला हूँ एक एक बार, तो सारे ट्राई करूंगा मैं कम से कम। ऐसे ही मैं पहले करता था भाई, तभी मजा आता था। ये हमारा लेचोंग भी लेवल अप हो गया ना। इस रजिस्टर्ड टोरोंटुला, यार ये एनिमेशन ऑनेस्टली बहुत सही है भाई, मजा आता है इसको देख के। ए वही सो रहा है ये वाला बंदा, अरे यार उठ गया उठ गया उठ गया यार, मैं सोचा था सोते सोते इसको पकड़ लूँ क्या, पर उठ गया भाई वो। वैसे यहाँ पे हॉपिप्स वगैरह भी काफ़ी सारे हैं, बट आई मीन ऑफकोर्स आई ऑलरेडी नो वॉट हॉपिप्स आर, तो नॉट गोना वेस्ट माई टाइम ऑन दोस, हॉपिप्स तो मैं बाद में देख लूँगा। अभी तो लेट्स कैरी फॉरवर्ड, हमें टावर तक पहुँचना है जो कि हम ऑलरेडी आ चुके ही हैं। इस गेम में डेफिनेटली ज़्यादा पिकअप्स हैं भाई, इन्होंने पिकअप्स भर भर के डाले हैं क्योंकि इन्होंने ओपन वर्ल्ड में ज्यादा आइटम्स डाले नहीं है अभी। ए ये कौन सा पोकेमॉन है? अच्छा ये ओ डूड मैं ऐसे लेवल भी देख सकता हूँ पोकेमॉन की, डैम ये देखो लेवल 3, तो मुझे हर किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं लेवल देखने के लिए, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सा पोकेमॉन अच्छा है और फिर मैं बैटल कर सकता हूँ, दैट्स प्रीटी गुड। बट इस वाले को एक्चुअली मैंने देखा था प्रोफेसर के साथ आई थिंक, तो इसको मैं पकड़ना चाहता ही था, इसको पकड़ ही लेता हूं मैं, लेट्स गो। इसका नाम क्या है? पॉमी, ओके ओके पॉमी। ऐसे मुझे लग रहा है कि इवॉल्व होके भाई काफी सही बनेगा। और यार ये इलेक्ट्रिक टाइप है, डूड वी हैव टू गेट हिम यार, हमें इसको पकड़ना ही पड़ेगा, अब तो हमें इसको पकड़ना ही पड़ेगा ब्रो, इसने मुझे अधमरा तो कर ही दिया वैसे भी। ओके ओके होपफुली भाई पकड़ में आ जाए, क्योंकि अगर नहीं आया तो ही विल डेफिनेटली किल मी, He'll definitely kill my Quaxly man. And okay, great. चलो बच गए भाई। इसने damage तो काफी अच्छा किया था और ये इतने ज़्यादा level के heavy नहीं तब की। Pommy mouse Pokemon electric type. Nice. I guess they're making a replacement for Pikachu or something, huh? चलो भाई फिलहाल के लिए तो I think मैंने Pokemon तो काफी पकड़ लिए हैं, अभी मैं थोड़ा टाइम लूंगा Pokemon पकड़ने में, और क्योंकि इतने Pokemon ट्रेन करने में ही दिक्कत आने वाली है काफी, लाइक एक्सपीरियंस भी तो शेयर होगा और वो जब शेयर होगा तो थोड़ा भाई कम कम शेयर होगा फिर सबको, अगर ज़्यादा पोकन हो जाएंगे तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ए रिक्स लेट मी सी, सो फार यू हैव कॉट वो, व्हाट वाज दैट, ये क्या था भाई, अचानक से कुछ ज़्यादा ही तगड़ा वाला अर्थक्वेक आया, आई हैव नेवर हर्ड दैट काइंड ऑफ क्राई बिफोर, कुड बी सम काइंड ऑफ पोकेमॉन और समथिंग, I say we find whatever that made that cry. Let's take a look around, Rix. Just be careful. There's a kind of unsafe cave not far from here. यार अब तो तू समझ जा यार, अब तो उसी cave में होने वाले कुछ तो पक्के से। I think guys हमें उसी cave में जाना है, actually हमारा map भी वही बता रहा है, हमें उस cave में ही जाना है dude. Hey dude, what? वो देखो guys, देख रहे तुम्हें वहाँ पे एक चमकती हुई लाइट दिख रही है जो कि मतलब इसी की तरह है, पर दैट इज येलो, आई थिंक वो कुछ रेयर आइटम है, वो दैट इज डेफिनेटली सम काइंड ऑफ रेयर आइटम। हमें ईथर मिल गया, नाइस, तो मुझे पहले ऊपर जाना पड़ेगा एंड देन आई कैन टेक इट। ये कुछ तो रेयर आइटम है यार ये, क्या मैं मार्कर लगा सकता हूँ क्या यहाँ पर? एक सेकेंड, ऐसे नहीं, कैसे करते हैं, आई वांट टेक आउट द मैप, हाँ ओके देयर वी गो, और मुझे एग्जैक्टली यहीं पर मार्कर भी लगाना है, कैन आए पता नहीं भाई, आई डोंट नो मार्कर कैसे लगाते हैं इसमें यार यहाँ पे वैसे। ओ डूड क्या ये मुझे ये बता रहे कि यहाँ पे हाउंडूम है? आर यू किडिंग मी? मैप में देखो गाइस, मैप में देखो, यहाँ पे दिखा रहे हैं हाउंडूम है, अगर ऐसा एक्चुअल में है तो डूड दैट वुड बी क्रेजी। मैं सेट डेस्टिनेशन तो कर सकता हूँ बट आई डोंट थिंक मैं मार्कर लगा सकता हूँ, या आई एम नॉट श्योर मैन। यहाँ पे वैसे हाउंडूम आई थिंक मिलता होगा, रात को हो सकता है मिलता हो,
क्योंकि ये ज्यादा रात को ही मिलता है, पर चलो देखेंगे देखेंगे। ये तो मुझे लेना ही लेना है, किसी तरीके से मैं आके वापस लूंगा उसको। बट फिलहाल लेट्स इन्वेस्टिगेट द क्राइम मैन, आखिरकार क्या था जिसने वो आवाज करी? कहीं वो वही पोकन तो नहीं था जो एकदम स्टार्टिंग में आया था, जो भाई ग्लाइड करे जा रहा था इधर उधर? इट्स काइंड ऑफ क्रेजी मैन। शोर पे कुछ है क्या? ओ डूड, एक्चुअली वही है, वही है। क्रैश कर गया क्या वो? ओ डूड, हाउंडूम्स भी है यहाँ पे। द मैप वाज राइट, यहाँ पे हाउंडूम्स हैं। ओ डूड यार, हाउंड और एक हमें मिल जाए अगर तो कितना कूल हो जाएगा स्टार्टिंग से ही। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई, हाउंडूम्स परेशान कर रहे हैं उस। आई थिंक वो हर्ट है ब्रो। शिट, हम लोग गिर गए क्या नीचे? ओ माय गॉड ब्रो, ओ भाई रोटोम फोन ने बचा लिया हमें, नहीं तो मर ही जाते यार। डैम बॉय रोटोम फोन, थैंक यू। हाउंडूम्स कहाँ पे चले गए तुम लोग? यार हाउंडूम्स आई थिंक इस केव में मिलते होंगे। ओ माय गॉड, मैं जाना तो चाहता हूँ केव में, पर आई थिंक हल्की सी डेंजरस हो सकती है। बट यू नो वॉट, इसको इसको भाई बात करने के बाद इससे मैं एक बार जाता हूँ यार केव में। आई थिंक दैट विल बी फन मैन, मजा आएगा। पिटेंगे पर मजा आएगा भाई। क्या हुआ भाई तुझे? द मिस्ट्री स्पोकन सीम्स टू बी वीक टू मूव, मे बी यू कैन गिव इट समथिंग टू हेल्प इट पर्क अप। आई थिंक मेरे पास पोशन है तो सही। सैंडविच दूं क्या उसको? मे बी मम्मी की सैंडविच काम कर जाए ब्रो। आई मीन इट एक्चुअली माइट जस्ट वर्क। घर का खाना तो अलग ही होता है ब्रो, खा के तो देख, मस्त बनाती है मम्मी सैंडविच, मजा आ जाएगा तुझे। लग रहा है उसको पसंद आ रही है। अरे अरे अरे, मेरे हाथ भी खा जाएगा क्या बे? क्या है, चोंगा है ये? देखो एकदम चंगा हो गया भाई एक सैंडविच खा के। नाइस मैन, वाह भाई, अभी से रिश्ते बन रहे हैं धीरे धीरे, दोस्त बन रहे हैं दोनों। ये क्या, इस केव से? केव से तो नहीं निकला ये, केव में तो हाउंडूम गए अभी। हाउंडूम्स की केव है वो, केव से ही निकला है क्या? नहीं यार, या तो हाउंडूम उसको पीटने जा रहे हैं मे बी ये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, या पागल हो गया भाई हाउंडूस पे ये एक्चुअली। कोई नहीं ब्रो, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ में, पीटते हैं अपन दोनों साथ में, पीटते हैं उनको। ओके, ओ माय गॉड, व्हाट? ई का हुआ भैया अचानक से? सुपर सैयन बन गया क्या ये? पता नहीं क्या हुआ भाई, एकदम से ग्लो करने लगा। ओह माय गॉड, ये तो भाई हड्डी पसली तोड़ने वाला है भाई उनकी। शेट शेट, हाउंडूम्स बी केयरफुल पीपल, आई हैव टू गो इनसाइड मैन। अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा जरा क्या है अंदर, ऐसी कैसे मैं रुक सकता हूँ। अरे ये तो इधर ही खड़ा हुआ है, गया नहीं अंदर अभी। बीरो चलें क्या अंदर? चलें, मेरे साथ ही चल रहा है भाई ये तो। इनलेट ग्रोटो, देखें जरा कहाँ जा रहा है भाई ये बंदा। ए सामने कुछ दिख तो रहा है मुझे, पोकी बॉल है वो तो, और भी कुछ है ये? क्या है ये, क्या है भाई वो? भाई नाइस यार, केव तो अच्छी लग रही है अंदर से काफी। ओ रेक्स, निमोन आ गई भाई, उसने मना किया था मैं आने से। अब एक सेकेंड, ये तो खुदाई हुई है अंदर कहीं और से। आर यू हर्ट? नहीं, आई एम फाइन, आई एम फाइन। ऊपर से कहाँ से रास्ता था? थैंक गुडनेस, आई वॉज रियली वरीड। राइट नाउ वी हैव गॉट अ फोकस ऑन गेटिंग यू बैक अप हियर। ओके ओके, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, चिंता मत कर तू। हे व्हाट्स अप विद दैट पोकेमॉन? इट डज काइंड ऑफ सीम लाइक अ ड्रैगन। ओम, ओके, आराम से भैया, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा। मैं वैसे पोकेबॉल एक अब आया हूँ तो लेके जाता हूँ यार इसको, पता नहीं कभी आऊँ भाई मैं वापस से। व्हाट इफ दिस इज एयर कैंडी? वाह पोकेबॉल, चलो भैया और आगे निकलते हैं। यहाँ पे कौन सी पोकन है? यहाँ पे है मोंगूस या योंगूस, क्या बोलते थे इसको? ये है यहाँ पे। ओ डूड, हाउंड आउर है इधर,
ओ डैम, आई थिंक वो बहुत लेवल का होने वाला है. आई डोंट थिंक आई कैन फाइट हिम, बट आई वॉन्ट टू फाइट हिम दो. यार वो एक तो एलिवेटेड लैंड पे है ना, मेरे को पता भी नहीं कि कैसे जाऊँ मैं उसके पास. यहाँ से कोई रास्ता है क्या यार? आई काइंड ऑफ वॉन्ट टू कैच हिम मैन. यार रास्ता तो मुझे नहीं दिख रहा है. यहाँ से मे भी हो, पता नहीं. आई डोंट थिंक है यहाँ से रास्ता. आई थिंक ऊपर से ही जाना पड़ेगा मुझे. चलो देखेंगे, बाद में देखेंगे. फिलहाल के लिए तो इसका पीछा करते हैं हम लोग. देखते हैं यहाँ पे हमें कहाँ पे ले जाता है ये. आई थिंक देयर समथिंग हियर. पोकेबॉल, या पोकेबॉल, नाइस. ओए डिग्लिट भी है यहाँ पे. एक डिग्लिट्स भी हैं भाई. केव है तो मतलब केव में तो वैसे ही पोकन आ रहे हैं. आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग दो. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ यहाँ से, बट लेट्स होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग. ओ भाई हाउंडूम कितने आ गए भाई. ये हाउंडूम ही बोलते हैं ना, तो हाउंडर बोलते हैं, पता नहीं भाई. आंधी हैं. ओ माय गॉड मैन, क्या इनको क्या है खुन्नस है इससे. अरे बाप रे, अरे बाप रे, पता नहीं क्या चल रहा है इनका. अलग से ही भाई, कुत्ते बिल्ली का खेल. बट इट्स नॉट लुकिंग गुड. ही हेड्स अप सम प्रीटी रफ एंड राउडी हाउंडर आर देयर. अच्छा हाउंडर ही बोलते हैं, ओके चलो निपट लेंगे उनसे भी हम. क्या ही दिक्कत है ब्रो. Let's keep on going. I think we're almost to the top actually. अरे बाप रे भाई, बता के किया कर यार, तू डरा देता है भाई एकदम से यार. थोड़ा सा आराम से भाई, थोड़ा सा आराम से. Oh my gosh, it straight up pulverized the rock. Yes man, मेरे को भी डरा दिया इसने. Rex, look out, something's coming. What is coming, girl? Behind you, it's behind you. Oh shit, वही वाला हाउंडर आ गया यार. वही वाला है ना, आई थिंक वही वाला है. अच्छा हाउंड डूम बोलते हैं इसको, सॉरी. ओ नो, इसको आई डोंट नो पकड़ सकता हूँ कि नहीं. आई मीन आई हैव अ वाटर टाइप पोकेमॉन, पर इसकी हालत थोड़ी खराब है. 40 लेवल का है वो. ओ डूड, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है. योर हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग सो बैडली यू कांट पुल आइटम्स आउट ऑफ अ बैग. ओ माई गॉड मैन, रन करने का ट्राई करते हैं. नो वे यू कैन रन फ्रॉम दिस ओपोनेंट. ओ माई गॉड, ओके ठीक है. सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही हमारे लिए. मे बी हमें, ओ नो मैं मर जाऊंगा इससे, मैं मर जाऊंगा इससे. ए वेट व्हाट, क्या पोकन विड्रॉ कर लिया क्या हमने? पता नहीं भाई क्या हुआ अभी. और ये पोकेमोन वापस भिजवा दिया उसने अपनी पोकेबॉल में. अरे बाप रे, ओके दिस गाइस इज थ्रू द रेस्क्यू. अरे बाप रे, सेना ले आए तो अपनी. ये तो बाहुबली 2.0 हो रहा है भाई. यहाँ पे देवसेना को पकड़ लिया है. देवसेना मैं हूँ. यहाँ पे बाहुबली ये वो वाली आर्मी को हरा रहे. पता नहीं क्या कांचाल वगैरह क्या आर्मी थी वो. अरे बाप रे, बाहुबली ने तो सीधा ही बचा लिया भाई देवसेना को. यही करना चाहिए था मूवी में भी यार. क्या ही बाहुबली यार, चुल्लू सा है बाहुबली. ये है असली बाहुबली तो. नॉइस, पता नहीं क्या ही एक्शन सीक्वेंस थी भाई. ये तो कुछ अलग ही भाई एनिमे की सीक्वेंस लग रही थी. फॉर अ सेकेंड आई थॉट यू वर बोथ गॉनर्स. मेरे को लग रहा है ये तो निकल लिया भाई, थोड़ी बहुत मदद करके तो निकलने वाले हैं. ए ए ए ए ओ ओके, ही इज बैक टू हिज ओरिजिनल फॉर्म. ये क्या थक जा रहा है या फिर इसको कुछ हो गया है? पता नहीं, मे बी इट यूज्ड अप ऑल ऑफ हिज पावर. व्हाट इज स्पोकन एनीवे? इट लुक्स काइंड लाइक अ Sylizar, but I've never seen one quite like this before. मुझे तो Sylizar ही नहीं पता क्या होता है bro. And now it looks so different from a minute ago. You think it's okay? I don't know man. I don't know. I hope it is. पता नहीं यार, पर चलो हम लोग बच तो गए. चलो एक पीस में हम लोग वापस तो आ ही गए. इसने बचा लिया bro, नहीं तो ये इसने भी हमें Houndour से लड़ने नहीं दिया. इतने सारे Houndour थे भाई सही में. I guess it's not like you are this Pokemon trainer yet. हाँ वो भी है, मैं उसको कमांड तो कर नहीं सकता था कि भाई जाओ पोकेमॉन से लड़ो. वो भी है. Oh good, looks like it sparked up a little. Do you think this film was the one making that mysterious cry we heard before? Oh, it definitely was. मेरे को पता है. If you do become a trainer, you got to let me battle against it. ऐसा क्या? I don't know if I can become a trainer though.
ये यही बंदा है जो कि इस गेम के पोस्टर पे है, पर इतनी जल्दी मिलेगा ये बंदा मुझे पता नहीं था। लेट्स एक्सचेंज नंबर्स सो वी कैन गेट इन टच इफ वी समहाउ गेट सेपरेटेड अगेन। एंड हियर दिस विल लेट यू टीच योर पोकेमोन अ मूव टू हेल्प बैटल स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स। स्विफ्ट, ओके, वेल थैंक यू। टीएम्स कैन ओनली बी यूज वंस, तो आई थिंक ये वाली चीज ये लोग वापस ला चुके हैं। टीएम्स इन्होंने ऐसा कर दिया था बीच में कि आई थिंक इन्होंने सॉडी शील्ड में किया था जहाँ तक मुझे याद है कि टीएम्स विल नो लॉन्गर बी ओ ये क्या है ऑरेंज बेरी, ओके। टीएम्स विल नो लॉन्गर बी यू नो ब्रोकन व्हेन यू नो यू यूज देम अप, तो आई थिंक उन्होंने वो वाली चीज़ें हटा दी है, अब टीएम्स यूज होंगे ही। कैन आई एक्चुअली गेट दैट पोकेबॉल नाउ? लेट्स सी। नहीं, ओके, मैं सोच रहा था कि मैं क्या पता इस पर चढ़ के फिर चला जाऊँ। नहीं, वैसे भी रास्ता नहीं होता, नेवर माइंड। अरे यार शिट, मुझे ऐसे कूदना नहीं चाहिए था, मुझे अब एक्चुअली उससे बात करनी थी। मैं करूँगा कैसे, फिर से मुझे घूम के आना चाहिए क्या? क्योंकि आई थिंक जी गलत हो गया सीन थोड़ा सा। अरे यार मुझे बात करना था यार उस पोकेमॉन से, मैं करूँगा कैसे अब यार, चढ़ने का तो रास्ता ही नहीं है ऊपर। या मे बी आई विल जस्ट हैव टू गो टू द लाइट हाउस मैन, नेवर माइंड, मैंने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। ओ माई गॉड, सो मेनी फ्लेचलिंग्स। I mean, I like Talon Flame, but I want to try out new Pokemon, man. यहाँ पे कोई खड़ा भी है वैसे। Hey boy, why that little? Hey, ये Pokemon यहाँ तक आ गया हमारे साथ। What are you doing out here? कौन है भाई तू और इसको कैसे जानता है तू? Already इस Pokemon को जानता है भाई किसी तरीके से। I'm not talking to you two. You can shove off. Hey लड़के, तो तमीज से बात कर ले। वेट, आई नो यू, aren't you Irwin? You are enrolled in the humanities track, right? And you, aren't you the son of that Pokemon researcher Professor Sada? Yes, Sada, Sada, जो भी बोलो तुम। Doesn't matter who my mom is. Okay. The real issue here is what in the world this Pokemon is doing out here. I mean, तुझे दिक्कत क्या है? And what is with this form it's in? It saved me from a tight spot, boy. ये कैसे जानता है इसको? ओके, तो मुझे लग रहा है कि इसने इसको ऑलरेडी देखा है इसके प्रायर वाली फॉर्म में, इसका जो तगड़ा वाला फॉर्म है उसमें। पर इसको करना क्या है इसके साथ? द फॉर्म कोराइडन टेक्स इन बैटल, दैट्स इट्स ट्रू फॉर्म। अच्छा, कोराइडन है इसका नाम, कोराइडन, इज दैट दिस पोकेमॉन्स नेम? हाउ डू यू नो इट एग्जैक्टली? मैं लेके इसको कुछ ज़्यादा ही पता है भाई, इतना कैसे पता है इसको? यू कांट गो इन दैट लैब, इट्स लॉक्ड। तुम्हें लगता है कि तुम कोराइडन को कमांड कर सकती हो क्या? तुम अपनी वर्दीनेस दिखा सकती हो पहले? आई मीन श्योर, आई मीन इफ यू वांट मी टू। वैसे मैंने अपने पोकेमॉन हील नहीं किया है यार, मैं पता नहीं कभी करूंगा हील भाई, मुझे हील कर लेना चाहिए था, मैं हील ही नहीं कर रहा हूँ। अरे बाप रे, लग रहा है ये भी हमारा एक्चुअली एक राइवल होने वाला है भाई। पोकेमॉन ट्रेनर आर्विन चैलेंजेस यू। स्कोबेट है बंदे पास, पर आई थिंक इसके एक दो पोकेमॉन और हो सकते हैं भाई, ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि इसके होंगे। थोड़ा भाई अकड़ू सा लग रहा है मेरे को, वैसे मेरे पास चार पोकेमॉन है तो मेरे पास काफ़ी अच्छे चांसेस हैं जीतने के। बट स्कोविट है भाई, स्कोविट को तो हम ऐसे ही हरा देंगे, क्या दिक्कत है? आ जा भैया स्कोविट, मर ले थोड़ा मेरे से। इस बैटल के बाद एक्चुअली यार मैं काम करूंगा, बॉक्स में जाके एक पोकेमॉन को डाल ही दूंगा बॉक्स में। चार पोकेमॉन यार थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे आई थिंक, यार थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे और इससे इसका काम हो जाना चाहिए। ओके नेवर माइंड, पर इससे जरूर हो जाएगा भाई इसका काम। देयर वी गो, बीएम, क्रिटिकल हिट भी अभी लगना था। वाओ, ये पीछे भाई बढ़िया कोरालिडॉन जो भी नाम था इसका बढ़िया मजे ले रहे। तो भाई वैसे लेवल अप तो हम बढ़िया हो रहे हैं, चार पोकेमॉन भी हम लोग बढ़िया लेवल अप हो रहे हैं, या मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे पोकेमॉन कम लेवल के हो शायद, इसलिए मुझे लग रहा है, पता नहीं। पर फिर भी चलो मैं एक पोकेमॉन डाल ही दूंगा बॉक्स में यार, अभी थोड़ी वर्दनेस प्रूव हुई मेरी फिर। क्यों भाई, Vaurik's stand was awesome. I guess I wasn't ever going to stand a chance using some Pokemon I'd only just caught. तो try ही क्यों किया तूने फिर? हैं? बहाना बनाना था तो try ही क्यों किया बे? It's the Pokemon that brutes been kept in. That brutes been kept in. अच्छा. एक. Wait, मुझे इतना easily मिल रहा है क्या ये Pokemon? I thought ये legendary Pokemon है यार, ये मुझे इतना easily देने वाला है क्या? Koraidon's Pokeball. और वैसे तेरे पास क्यों है ये पोकेबॉल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो व्हाई डू यू हैव इट एग्जैक्टली, क्या चल रहा है ये भाई, इतना मिस्टीरियस क्यों है ये?
एनी वे दैट थिंग्स योर प्रॉब्लम नाउ नॉट माइन. क्या चल रहा है भाई? आई एम नॉट श्योर कि क्यों है ये इतना मिस्टीरियस ये पोकेमॉन पर है. ओके वैसे मुझे यहाँ से यूनिवर्सिटी दिख रही है भाई, काफ़ी सही लग रही है. पर लुक्स लाइक आई एम दिस गाइज पार्टनर नाउ, सो हु केयर्स. लग भी लेजेंडरी टाइप का है भाई पोकेमॉन. दैट आर्विन गाय डेफिनेटली नोज मोर देन ही इज लेटिंग ऑन. एग्जैक्टली मैन. नेक्स्ट टाइम ही एंड आई आर बैटलिंग. श्योर श्योर श्योर. पर फिलहाल लेट्स क्लाइम द यू नो लाइट हाउस. ये बार मुझे अच्छे से नज़र मारनी है ज़रा अपने स्कूल पे. ये वाला रूम बंद है क्या? एक्चुअली आई थिंक बंद ही है. पहले पीछे आगे देख लेते हैं सब जगह. यहाँ से कुछ नज़ारा दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है भाई. कुछ तो बना हुआ है आगे, रूइंस टाइप का बना हुआ है कुछ तो आगे, पता नहीं. बट इज दिस एक्चुअली लॉक्ड? इट इज लॉक्ड. ओके चलो फिर तो हम जरा ऊपर ही चलते हैं ब्रो. साउथ प्रोविंस एरिया 1. ओके ओ भाई नजारा तो यहाँ से कितना सही है यार. वाह भाई काफी शांति सी है भाई. यहाँ पे आके मस्त खड़े हो, स्काउट करो एरिया को. आई थिंक यही पर्पस है इसका. अगर ऐसे टावर्स भाई जगह जगह पे लगे हुए हैं ना, तो दैट वुड बी अ गुड गेम डिजाइन थिंग ऑन दिस गेम. क्योंकि ओपन वर्ल्ड गेम्स का यही रहता है यार, तुम्हें मैप पे बहुत ज़्यादा की पॉइंट्स ही डालने के. तुम यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो. तुम्हें प्लेयर को देखने देना है कि प्लेयर एक्चुअली कहाँ जा सकता है. मैं मुझे अपनी आंखों से देखने दो कि मैं और कहाँ जा सकता हूँ, तब मुझे मज़ा आता है. तो जैसे कि अगर ये केव में यहाँ से देखता कि वहाँ पे कोई केव है, तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता वहाँ पे जाने के लिए. पर बिकॉज वो ट्यूटोरियल था तो आई वोंट रियली माइंड. ओ डूड वेट, वहाँ पे पोके सेंटर आई थिंक. इट डज लुक लाइक अ पोके सेंटर या पेट्रोल पंप ऐसा कुछ लग रहा है. पर हाँ सिटी भी है वहाँ पे. आई थिंक हम पहले सिटी में जाएंगे, फिर हम लोग यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं. सो दैट इज़ गोना बी आवर पाथ. लुक रिक्स, दैट्स मेसागोज़ा. व्हाट्स मेसागोज़ा? दैट इज ओके. एंड दैट ह्यूज बिल्डिंग विद द पोकेबॉल ऑन इट इज आवर स्कूल. उसके पीछे तुम देख रहे हो एक लाइक वाइट बिल्डिंग थोड़ा लेफ्ट साइड में. वो भी आई थिंक कुछ तो या तो पोकेमॉन जिम है या फिर कुछ तो ऐसा ही है, एलीट फोर टाइप का कुछ, पता नहीं भाई. इट्स गोना बी सो ग्रेट हैविंग यू इन द सेम क्लास रिक्स. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट गर्ल. ओह माउंटेन्स फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स ब्यूटीफुल नेचर स्टफ एज फार एज आई कैन सी. एंड यू नो व्हाट्स वेटिंग फॉर यू ऑल ओवर दीस नेचुरल स्पेसेस? टन्स ऑफ पोकेमॉन. यस गर्ल. मैं तो सोच रहा हूँ यार मैं ऑनेस्टली किसी रैंडम जगह पे जाऊँ, मैं रैंडम डायरेक्शन में हेड करने लगूँ और मैं बस देखूँ भाई क्या है वहाँ पे. यार एक्चुअली अगर तुमने पता है वो खेला है ना पोकन लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा, तो तुम्हें पता होगा कि ज़्यादातर लोग मीपा के पास ही जाते हैं सबसे पहले. वो मतलब वाटर वाला डिवाइन बीस्ट ही करते हैं सबसे पहले, क्योंकि गेम तुम्हें एक तरह से डायरेक्ट करता है. तो अगर इस गेम में भी ऐसा कुछ है कि गेम मुझे डायरेक्ट कर रहा है, तो मैं गेम को थोड़ा ट्रिक करूँगा और ट्राई करूँगा कि एकदम ही लास्ट वाले जिम में जाऊँगा. मैं ऐसा कुछ ट्राई करने वाला हूँ. मैं बिल्कुल भी भाई फॉलो नहीं करने वाला स्ट्रेट पाथ. मैं कहीं भी चला जाऊंगा. मैं तो लेट्स मेक इट टू लॉस प्लेटोस फॉर स्टार्टर्स, दैट्स राइट ऑन द वे. ओके वेल लेट्स डू दैट देन. वामोस कम ऑन, चल लड़की चलते हैं. वैसे आई डोंट थिंक अभी मुझे ये लोग कहीं भी जाने देंगे, क्योंकि अभी भी ट्यूटोरियल ही चल रहा है शायद से. पर उसके बाद आई थिंक आई कैन हेड एनीवेयर. चलो गाइस पर फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रखने वाले हैं. मुझे लगा था यार हम लोग अभी आज और भी बाकी कुछ कर लेंगे, पर फिर वो एकदम से कैलिडोस वाला सीन हो गया. मुझे पता नहीं भाई कहाँ से आया है वो, क्या हुआ है उसको, और ये आर्विन का क्या सीन है उसके साथ. पर आई गेस वील नो विद टाइम. पर आर्विन बंदा भाई मेरे को कुछ ठीक नहीं लगा भाई. मुझे पसंद नहीं आया भाई बंदा. एक तो भाई वैसे होता ही है गंदा सा अपना राइवल, तो आई गेस वही है एक. बट या नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग प्रॉबेबली थोड़ा इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम लोग हेड करेंगे उस सिटी में. गाइस इसमें बहुत ही आराम से खेलने वाला हूँ ये गेम, तो होपफुली तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो उससे. मैं आराम से एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है तो मुझे बता देना भाई कमेंट्स में, नहीं तो आई वुड लाइक टू टेक अ स्ट्रेट पाथ अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो तो. बनाओ गाइस दैट इज इट. आई होप यू गाइस एंजॉयड. अगर मजा तो भाई लाइक वाइक मार देना. एम करते हैं भाई 20,000 लाइक्स के लिए. लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट. बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट.